बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब हाजरीन और नाजरीन को प्यार भरा सलाम, आदाब। खुश रहे, आप रहे, हंस मुस्कुराते रहे। और आज इतवार है और मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नया शो लेके। कैसे हैं आप लोग? ये बात, तालियां बजाएं जरा। जागो। और नाजरीन को मैं ये कहना चाहूं कि अगर आप यहां आके हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक नंबर अभी स्क्रीन पर चलेगा और मैं रिपीट भी कर दूंगा, 03200887701 पे आप मैसेज करें। हम आपको खुद फोन करके आपको कहेंगे कि आप इस वक्त इतने बजे कहां पहुंचना है, किधर पहुंचना है, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है जी, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं पुराने ज़माने में, या बहुत ही पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा, मेरे बचपन में भी ये होता था कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम हुआ करता था कि अगर तीन या चार भाई हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, अम्मी अब्बू भी साथ रह रहे हैं, फिर उनके बच्चे भी एक ही घर में रहते थे, एक ही बेड़े में सारे खेलते थे और सारे बच्चे आपस में खेल कूद के लड़ झगड़ के जवान होते थे और फिर उनकी शादियां तय कर दी जाती थी। फर्क सिर्फ इतना होता था कि घर के ये बेड़ा है घर का जिसे सैन कहते हैं और चार कमरे हैं, चार भाई रह रहे हैं, तो शादी ये होती थी कि एक घर से लड़की ने निकल के एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना है, तो इतना फर्क आता था और वो लोग वहीं पर हंसी खुशी रहते थे। और मजाल है कि किसी बच्चे की हिम्मत हो कि बड़े के आगे जवाब दे, बच्चों ने बड़ों ने कह दिया कि इसकी शादी इसके साथ, इसकी उसके साथ। और वो ज़माना भी बड़ा सादा था कि किसी लड़की को अगर कह दो ना कि वो तुम्हारा रिश्ता आया है तो वो शर्माते शर्माते इतना शर्माती थी कि आधा दुपट्टा खा जाती थी। नहीं नहीं, 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 नहीं। पता चला आधा दुपट्टा ही खा गई है, इतनी शर्मीली। और आज का तो कहते हैं रिश्ता आया, कहते हैं लड़का क्या करता है, तस्वीर तो दिखाओ मुझे पहले। आजकल ये तब्दीली आ गई है। तो वो वक्त अच्छा हुआ करता था, या आजकल का वक्त अच्छा है? अब बहुत कम ऐसे लोग नजर आते हैं। जरा दें किसी जरा सीनियर सिटीजन को पीछे, वो जरा उनको दें, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अशरफ जी। अशरफ साहब, अच्छा आप इकट्ठे रहते हैं या अलग रहते हैं? हाँ जी, इकट्ठे रहते हैं। सात कितने भाई हैं? सात भाई हैं। सात भाई इकट्ठे रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं, माशाल्लाह। एक ही घर में? एक ही घर में। अच्छा, हम खवातीन हज़रात ऐसे ही कह रहे थे कि अब बहुत कम है, लेकिन अभी भी है ऐसा? नहीं, हम चार भाई शादीशुदा हैं, तीन भाई है जी शादी करनी है उनकी, इकट्ठे रह रहे हैं। इकट्ठे रह रहे हैं? हाँ जी। चार शादीशुदा हैं? हाँ जी। और तीन अभी गौर शुदा है? हाँ जी। उन पे शोर। तो बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? तीन चार चार बच्चे हैं सबके, मेरे पांच बच्चे हैं। अच्छा, ये भी याद नहीं किने ने। आप खुश हैं? हाँ जी, माशाल्लाह। बच्चों की आपस में शादियों का सोचा हुआ है? शादियां दो कर ली हैं आपस में। आपस में ही की हैं? हाँ जी। अरे वाह, अरे वाह, आज तो कमाल। जरा देना, जरा मेरी ये बहन को दें जरा माइक आगे। अच्छा, क्या नाम है? रुबीना। रुबीना जी। अच्छा, आपकी फैमिली में है कोई ऐसा बच्चों की कोई शादियां हुई हो या तय की हो अभी? हमारे बचपन में ही कर देते हैं। बचपन में ही कर देते हैं? आपकी तरफ भी? तो आपकी शादी भी बचपन में ही हुई थी कि जी मंगनी हो गई, जब आप शादी के काबिल हुई तो आपकी शादी कर दी? कि ये तय होता था वहाँ उस वक्त? इतना नहीं होता था कि अपनी मर्जी करनी है, उस वक्त यही होता था जी ए मेरी मांग है, तो बस वो उसी मांग पे टिके रहते थे। वो शादियाँ ज्यादा कामयाब होती थी, जगह जगह मांगते फिर देने। अच्छा, माँ बाप की शादी ज्यादा चलती है या अपनी मर्जी की शादी? वालदैन की शादी। तो मैं पागल ना फिर? नहीं, मेरी शादी मेरी मर्जी की हुई है, मेरी बेगम की मर्जी की हुई है। हम क्या मतलब, हम घर में एक दूसरे को छांटे मारते हैं? नहीं, ये तो बात नहीं। मतलब हमारे घर में हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। क्या हुआ है? मैंने अपनी सास का सर फोड़ दिया है। क्या हुआ, क्या है? चले जी, अल्लाह खुश रखे। मर्जी से करें या वालदैन की मर्जी से करें और हंसते खेलते रहें, बस यही जिंदगी है जी। जिंदगी एक दफा मिलती है, उसे इंजॉय करना चाहिए और रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक ही दफा जिंदगी में बनते हैं और वो खत्म हो जाएं तो वो दोबारा नहीं बन पाते। आप जो मर्जी करें, बीवी का रिश्ता जितनी दफा मर्जी बना लें बन जाता है, कोई और रिश्ता नहीं मुझे। अच्छा, मेरी बहनें यूं यूं कर रही हैं, हाँ इन्हें घर नहीं जाना, इन्हें आज घर जाना है, देखो इसके नाल होना की है। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता दूं जी कि हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है, दो भाई हैं,
उन्होंने बचपन में अपने बच्चों की शादी कर ली थी, अब वो अमीर हो चुके हैं और एक फैमिली अमीर हो चुकी है और एक फैमिली अभी वहीं की वहीं है, क्या उनकी शादी आगे हो पाएगी? बच्चे अब जवान हो गए हैं, इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ली गया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं जी बचपन में जो मंगनियां कर दी जाती हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कंबाइंड फैमिली सिस्टम की बात करेंगे। और आज हमने ऐसी एक फैमिली को बुलाया है जिन्होंने अपने बच्चों की बचपन में मंगनियां कर दी थी कि जी शादी हम इनकी आपस में करेंगे, अब बच्चे जवान हो चुके हैं और दोनों भाई माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, लेकिन एक जो है काफ़ी आगे निकल गए हैं, यानी कि उन्होंने तरक्की बहुत कर ली है, उनके पास पैसा आ गया है और वो अब उनका मिजाज कैसा है, क्या ये शादी हो पाती है, या वो जो गरीब भाई रह गया है उसके साथ वो अपना रिश्ता बरकरार रखेंगे या कोई नखरे करेंगे, ये क्या करेंगे, ये अब हमें नहीं पता, अब हम उन्हें बुलाएंगे तो हमें पता चलेगा। और हमारी दुआ है जी कि वो शादी जो है वो जो तय हुई थी वो पाए तकमील तक पहुंचे, उनकी शादी हो। जी तशरीफ लाते हैं जी छोटे भाई लारे और दुलारे खान साहब। लेकिन भाई जी तुसी सवेरे सवेरे भंग ते नहीं पीती, क्यों तुसी साडा तारा भी गलत कराता? लारे और दुलारे वो तो ठीक है, लेकिन मैं दा बाप हां, ये मेरा बेटा है। अच्छा, मेरा होन वाला बाप, मैंने मतलब मेरा होन वाला की मेरा बाप मैंने कहा छोटे भाई तस्वीर, अबे आपके बड़े भाई आएंगे, ये आपके बच्चे हैं, उनकी बेटी है। अच्छा, मुझे पता है, मैं बता चुका हूँ। ना मेरा तारफ कराया, अल्लाह तेरी जिंदगी करे जी। आउंदिया नसीबा नरे ए घड़िया, नसीबा नरे ए घड़िया, तेरे तेरे पैसे जोड़े होंगे, उसका मुंह देखो लगता नाली च बल्ब लगा होया, कितना सोना हाथ लगता पिंडी ये भी पंड सी। और पुत्र उन्हें चमोटा नहीं मारना, क्यों जी वजह? अगला को वेपर कट मारे कौन से मेरा? मैं क्या खैर है जी? सी आई ये दिया खैर है, नवे सेट दिया खैर है, नवियां जैकटा दिया खैर है, लेकिन लगता सारे पैसे इकट्ठे ही मिल गए। ओए होस्ट दा मुंह ते देखो लगता पागल खाने दा गार्ड होंदा है। ओ बेटे जी, ओ तू पियो नु तीन बारी मारी जाना, हाय हाय एक बारी मारी, पियो तो देख लो लगता नुक्कर च जुराब पार्टी होंदी है। हाय हाय, मेरा मुंडा देख लो, हां देख, मेरा लगड़ी नहीं दिया। अरे अब्बा तू, मैं कह दिया सी लोकां दी बरातां च जाके रौनक मेला लाउने आ जी, इसलिए आज तुसी सानू अपने शो च बुलाया, ताडी बड़ी तेरी सस जीवे। अच्छा मेहरबान, तेरी सस दा मैं इन्ना फैन आ, मैं सब तो सोहणिया पापा हाय रे मनमोहणिया, सब तो सोहणिया हाय रे मनमोहणिया। देख लो मेरे पुत्र नु वेखो, हां जी मेरे पुत्र नु वेखो, वेख लिया दफना दियो जिथे भी जाइए, लेकिन सानू मौत अपने मुल्क च आवे। अच्छा, आप ये आपके बेटे हैं? मेरे पिताजी है, मेरे पिता नहीं है, मतलब मेरे। मरे तू एक दो बार इंडिया के गया तो पिता कहने लग पे। नहीं, ए मेरे डैडू ने, हाँ जी, ए इतना मेरी वालदा दे नाल निकाह शादी हुई है, मेरी वालदा इन्हां दी ज़ौजा माजदा है,
आपकी वालदा माजदा इनकी सोच है साडे पिंड दे विच ना स्पोर्ट्स दे हुंदे सन खेल होते मेले च दौड़ा लगदियां सी इधरों इहदी अम्मी दौड़ी इधरों मैं दौड़िया सी दोवें फर्स्ट आ गए हम आपको बिठाएंगे सीआईए में आप ऊपर बैठेंगे सांडा बराज भी धक्के ही पैंदे कहंदे चलो चलो जी निकाह हो लैंदे भी असी निकाह च बंब रख देना दसो यार साडा एक मसला है जी छोटा जिहा क्या ए मेरे अब्बा जी ने मेरी मंगनी हुई है इन्हां दे वड्डे भाई दी बेटी नाल हां जी हुण वो अमीर हो गए ने अल्लाह ने बहुत देता शादी नहीं करदे हां वो मुझे पता चला केस का मेरा फेर गया मैं उन्हां नु बुलाया बुलाया बल्कि वो मानदा ही नहीं कि साडे रिश्तेदार आ की मतलब तीन तीन चार बारी मैं कहा भाई नी की हाल है ते मेरे ते थुक के चला गया पर यानी पैसा आने के बाद उनका दिमाग बदल गया है नहीं कहने आपको रिश्तेदार ही नहीं मानते ओला खून भी सफेद है और जड़ा उन्हें फड़िया वो फोन भी सफेद है यकीन बस साडा मसला हल करा दो क्योंकि तुसी पीछा कर दिया तो साडा मसला हल करा आप बैठे हैं अभी हमारे शो में बड़े-बड़े मसले हल हो गए आपको नजर दियो जी नजर नजर में अभी आपको लगाता हूं नजर लाना मैं तुम्हें नहीं नहीं नजर बन गई है साडी अब्बा जी ने कुछ लाओ दो ना लावा अच्छा जी खवातीन हज़रात ये है छोटे भाई और इनका बेटा है और बचपन में मंगनी हुई थी अब ये कहते हैं कि बड़े भाई के पास आ गए हैं पैसे और उसने अपना इरादा बदल लिया वो इनको रिश्तेदार ही नहीं मानता नहीं चले अभी बात कर लेते हैं उनको बुला के तो आपकी ताड़ियों में तशरीफ लाते हैं बड़े भाई और उनकी बेटी सलाम अलैकुम पाजी की ओए पिताजी यहाँ रख दे इधर आ जाओ गुरदा जी सलाम अलैकुम सलाम भाई आप बड़े भाई हैं इनके केना दे केना दे सलाम अलैकुम भाई यार इन्हें तो मेरे भरा किधरों मैं इधर भरा लगता इधरों इधर भरा मैं लगता ताया बू ताया मैं मतलब भतीजा ओ हेलो मैं नहीं कोई नहीं दिलारे खान मैं कल आई है आप भी मेरा ख्याल है यही काम करते हैं ये बाजा क्या ये ब्रीफ केस है मेरा असल गुजारिश ये है कि काम में ये करता हूँ लेकिन मैं हाई लेवल पे काम करता हूँ ये छोटे लोग हैं रंगदार हाई लेवल पे तू मनारे पाकिस्तान से बह के गाना तू आप बैठे डोनाल्ड ट्रंप के सामने बेटे गाई गजल में रंग भरे बादल बाहर चले $5 देते रंग भरे क्या होता है लेकिन सुर तो सुर होता है ना सुर ऐसे लगा मेरे प्यो की नासा च उन्होंने डॉलर दिते ने गुजारिश ये है कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं कोई नहीं ना 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 मैं हाई लेवल का आदमी हूँ अच्छा मतलब मैं छोटे मोटे फंक्शन $1,000-2,000 रुपये तो मैं ऐवी मतलब लोगों को लुटा भाई जी पैसे ने नाल नहीं जाना तुसी आज मेरे नाल जाना अब बैठ नहीं जाना मैं तेरे नाल उधर जाना जब तेरे इधर ले जाना ऐसे ही बात आप बैठे बैठ के बात करते हैं नहीं है बस कोई रिश्तेदार आप हाई लेवल के हैं हाई लेवल अच्छा जूस मंगा दे जूस अच्छा तो तेरा ऑपरेशन है जूस है आप ये जुगत पानी नहीं करते नो नेवर नथिंग नॉट एट ऑल ओके तो जुगता करनी है देखा बाजी हाथ से चुके हैं आप क्यों ऊपर आया आप क्यों ऊपर आया हुण की करा उन्हें उजार ही इदा फड़िया क्या मतलब मजा आया ज्यादा मरा ज्यादा मरा सी ते कटिंग वजीर वाली अच्छा और हुण जिंदगी दे कदी मैन हैंडलिंग ना करी तेरे दादा अच्छा समझ रहे क्या बात है मैं कदी जिंदगी दे विच आज तक मेरा रिकॉर्ड है मैं डांसर नु कदी बुरा नहीं किया
भाई, भाई मैं एक्टर हूं, डांसर क्या होता है? छोड़ दे इस गल नु, गल करो जेडी। ओए चुप हो, ठीक हो, हट गरीब बड़ा तेरा कमी कमी लोग कच्ची हट ते बैठ के नाउणा लियो, हट कच्ची। खबरदार मेरे पे आने की थर्ड क्लास, थर्ड क्लास ताड़ी हो तुझे, थर्ड क्लास ताड़ी, थर्ड क्लास ताड़ी, जूठे चौला ते अचार रख के खाने ले लख लख। अच्छा एक मिनट, मेरे ना गल कर, अमीर एडा कदी फोन रखा अमरे 33-10 ने तेरी जान ले ली, लख लख दा तेरा। अरे खान साहब पैसे वाले हो, ओ खुरक नु तरसन वाली काम बड़े मु थोड़ा आगे ढोलकी रखी रंगीन ना लगदा मंजे दा पावा ना पता लगदा ढोलकी लख लख। अपना पुत्र वेख बड़ा पुराने खोयर का मुंह पुराने खोए वर्गा की मैं समझा खोता कहने लगी है तो खोता नहीं कहिएगा वो साथ बैठा हुआ है। हाँ जी ओ तेरा खून सफेद हो गया, ओ ऐसी एक मां दे पोता ते पियो भी मेरा ख्याल कोई है। देख ला किस तरह किस तरह किस बात तू दस इदी शक्ल मैंने रल दी नहीं देखे लगदा दरी कटी गई है तेरा बड़ा हाय तू खान ओए अपना मुंह गौर ने देखो आटे दा दीवा बनाया लगदा लख लाण ते तेरे ओ पादू अपना अपना भी देखो तुसी कादे बड़े खान साहब बड़े भाई हैं देखे जेड़ी जाली तू सूट तो पाई ना खजूर से पाई दी है। अच्छा मेरी बात जाली इस बात इन बच्ची नु पुआई भी तेरे अरगा मच्छर ना लड़े मेरे बाप वैसे लग रहे है मेरे अच्छा खान साहब हाँ जी हमने आपका आईडी भी आईडी कार्ड देखा है इनका भी देखा है आप दोनों भाई हैं हमें पता है आप ये बात ना करें किस तरह दोनों भाई हैं नाम मिलते जुलते होते जल्दी ये बंदे एयरपोर्ट पे नहीं फड़े जाते अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने सगे भाई को भूल जाएं ओ यार ये कटिया लोग है मैं एक लखपति आदमी है ओ देखो ओ कटिया ओ प्योर रात में जड़ी धोती बन के सांदा मुंडे ने उठे लई ओ लख लानता ए ब्रांडेड वेस्टकोट ब्रांडेड वेस्टकोट ए जड़ी तू भाई ये भी लंडे दी है ए ब्रांडेड ब्रांडर बड़ा तेरा ब्रांडियर का सेहरा बेटे तेरा भी बड़ा ब्रांडियर का मुंह भुल गया वेले मां बैठी रोटियां पकाउंदी सी चूल्हे ते बैठे एक मिनट खान साहब चलें थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप शुरू से किस्सा सुनाएं जब आप इकट्ठे रहते थे क्या हुआ मैं तो यही नहीं है नल नेवर नथिंग नॉट एट ऑल। अच्छा एक मिनट आप बताओ जी ये मेरा बड़ा भरा है जी जी ये जदों ये पैदा होया है उस तो बाद तो कुछ भी नहीं होया भाई नहीं आप पैदा हुए ना उसके बाद खुशियां आप पैदा हुए मैं तो उस बाद कुछ भी नहीं जब ये पैदा हुआ हां अम्मी ने पूछा दाई नु की होया उन्हें क्या पता नहीं है जे तो पता नहीं लग रहा उस बाद फिर उन्हें इधर से हल्का ये नमक पाया तो इन्हें ऐ करके कीता फिर पता लगा भी वही है मेरे प्योर गुड़ू है कहता चल मेरा भरा बना जे उन्हें कहता तो फिर की होया तो मैं गया ना तेन भी तो तिना मुंडिया ने राह जाने खुसरा गया ही शो दे बेच आए हैं अगले नु अपना दुख दसी दा हुंदा है दुख तेरे फोड़ा है दस उनू ए रेमो दौलता नाल नहीं जानिया रिश्ते नाल जाने है नौवां नालों कदी मास जुदा नहीं होए नहीं होए ते ए मेरे नालों मज्जां जुदा हो गईयां देख लो सारी जिंदगी फंक्शन है जो चित्र खाते किस तरह जिसले लोग नोट है बरसा दंदे ने फर्श दे ते नोट ही नोट दरी दे ते पैरां नु हल्की जी लेवी लाके ते तुर पैंदा सी जराबां च पैसे देई जावे हजार रुपया जराब च दे रहा मैं ये की कर रहा कहना मेरा खारिश हो रही है खारिश दस पांच ना भी हो सकती हजार ना जरूर कर मरासियां तो मार पावे ना खाइए आ मरासी लैते जाएगा सानू
दो महीने तो बाद करांगा खुश नहीं इन्हें लोग मतलब मेलबर्न तो सिडनी तो अपना परदेस गयो परदेसी होयो वे तेरिया नित वतना बदलोना कमली कर के छड़ गयो मैनू ते मैं कख गलिया दे रो अरे वाह 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 खान साहब एक मिनट रुकिएगा माइक लेके आओ माइक एक मिनट जाव परदेसिया वे किथे देरा लाया जाव परदेसिया वे किथे देरा लाया मैं भूल गया मैं भूल गया मैं होया मजबूरी जदों दा तेथों दूर ना चले यादां तेरियां जावे परदेसिया रो रो के पुछनिया तेरी तस्वीर भूल गए केड़ी गले हीर नू मजबूरी जदों दा तेथों दूनी बस ना चले यादां आउण तेरियां जावे परदेसिया वेलकम बैक खवातीन और हज़रात हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज दो भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने बचपन में मंगनियां कर दी थी लेकिन अब बड़े भाई जो हैं वो पैसे वाले हो गए हैं और छोटे भाई को मान ही नहीं रहे बेटा आज कौन बोल रहे रमजान नहीं अपना डॉगी दूषित पाए डॉगी तेन पता है लैब्राडोर में बड़ा महंगा लेके आया अमेरिका तो पीछे बोल कहता वो महंगा ले लिया बहुत अच्छे भाई जान सानू दसिया ही नहीं कुत्ता ले लिया सानू मठियाई खवाई नहीं कुत्ता ले लिया मैं मिठाई नहीं खवाई जो तू है मैं अबे ने खवाई थी बाप नू कुत्ता कहता कहता अच्छा तो ले लो बाबी अपनी को ले लो लख रुपया कोई गल है तू लै ला होर लै ला जिन्हें मर्जी लै ला क्या मंगवाया जी मैं तेरी लख लख रुपया मुलाजम दे मुलाजम मैं कहता लख रुपया क्या मंगवाया क्या आपने क्यों लख देता सुबह मैं उन्हें 1.5 लाख की टिप दे के आई सी ये सारे नु भाभी पैसे दे जांदी आपने क्या लिया लाख रुपए का नहीं लाख रुपए तो लिया नहीं को मुलाजम नु चाहिए दस अच्छा अच्छा मैं क्या ले लो पापी को ले लो घर में पालतू रखे हुए आपने पेट पेट रखे हुए हाँ लैब्राडोर रखे अच्छा क्या रखे जी तुम्हारा अपना बड़ा इन्हें गौर नाल देखो इन्हें अपना मुंह भुली भर गया मेरे ताए नु नहीं मैं लिया नहीं लेकिन मेनू एक दो बारी वड्डे मेनू तां पता नहीं अगर वो हेलो हाँ मेरे डैडू ने चाय पीनी है कीनिया से पत्ती मंगाएं जल्दी से हैं जी ठीक है
अच्छा मेरे सिर च दर्द होंगी कि तू नेड़े फड़ ला अच्छा जितनी जितनी पत्ती भी आती है वो वहीं से आती है इसमें कोई शक नहीं है मैंने श्रीलंका में बागात भी देखे हैं काटते हुए देखे है और मशीन वहां बनते हुए भी फैक्ट्री सही गल है अद्धा श्रीलंका तू हाथी की सुन बह के और कैसी गल है हाथी इत्थे आ गया सुंड घर छड आया दो गड़िया पिछे अच्छा अच्छा प्लस दी एनजी पार्किंग हैली किथे लाना हैली हेलीकॉप्टर गरीब लोग इन्ने गरीब ने मैं महंगा परफ्यूम लानी दरवाजे के बाहर खड़े होके प्यो पुत्र सूंग रहे होंगे क्योंकि मैं खून आए साडा बाप जिंदा हुंदा सी असी कठे तिन्ना ने काम ते जाना रात दे विच ए चमोटा खांदा हुंदा सी देख लै ते हजे भी निशान ओ कहंदा लोकां नूं कहंदा मेरे गोली लगी है यार दिखा जरा ए भाई जाए ये निशान दिखा के राइट या लेफ्ट अरे राइट ऑफ द राइट किथे इधर बकवास करदा है आप हल्का समान गए आप इनके बड़े बारिश है कि एक मिनट सुने का तान है जी मेरा भाई है छोटा लेकिन मैं हूं इन्होंने लोगों को मिलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी क्लास हो रहा है क्यों भी रे एक मिनट बकवास भेजना बोली सानू का तो मिलना नहीं चाहता मैं तू मेरी की किरली पानी तू आप ही बढ़ जाए तो किरली है अच्छा भतीजा आपका पैदा हुआ आपको इतना पसंद आया प्यार लगा बच्चा जेड़ा मेरा भतीजा जो पैदा होया ना ये बचपन जी मेरी अक्सीयत है मैं कह भी ए बच्चा कुछ भी हो जाए जवान होके पढ़े ना पढ़े कुछ मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं बेड़े दे विच देगा लगियां है तंबू लगे है बकरी छड़नी कौन सी गड्डी भाई गड्डी 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 जड़ी तू काफी देर सौरे दी चलांदा रहा रैम्बो तेरी न्यूज एंकर देख के इन्हों की मां याद आ गई एक मिनट मैनू वेख के प्यो नहीं याद आया जी अस्सलाम वालेकुम आदाब आदाब हेलो हेलो ज़लेमा आप ही रहेंगी ओए सलाम कर रही है मुख्तलिफ ज़बानों में ओ यार बस ठीक है वालेकुम सलाम ओ न्यूज़ है वालेकुम ज़लेमा पहली पहली न्यूज़ फर्स्ट न्यूज़ स्पैनिश में सलाम को ज़लेमा कहते हैं तुम्हें क्या पता मिरासी ज़लेमा ज़लेमा गुड
आप देख रहे हैं CIA न्यूज। मैं हूँ फजर अली और मैं हूँ अपना दुलारेखा और मैं हूँ लारेखा इनका जुआई और मैं हूँ एक करोड़पति डाड़ी करोड़पति पारेखा और ये उनकी तकरीबन बेटी जी। खबर क्या है? चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। चलो चलिए उठो जी। उनके कहने का मतलब है कि अभी मैं सुनाने लगी हूँ खबर। अच्छा तो इंजन कभी ना कभी चलते हैं। जी आज की पहली खबर सुनने के लायक है। जी जी जी। गंजेपन से मायूस ना हो, दुनिया के गंजे लोग अमीर और अजीम तरीन थे। अगर आप गंजे हैं और अजीम नहीं तो फिर डैश 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 बेशुमार। शुक्र है मेरा प्यो गंजा भी है, अमीर भी है, अजीम। डैश डैश वाला की मतलब है? अच्छा ऐसा औरत नू कोई शर्म हया है आपको? इहदा गौर ना मुंह देख लगदा किसी ने पेस्ट घुट के कढ़ी है करके। अल्लाह ने पैसे इन्ने दिते है, तू वाल ही लवा ला यार। यहो जहा बंदा वेग घुमा के कहिंदा चला जा, मेरा दिमाग फिर गया। जी नेक्स्ट खबर। आज की दूसरी खबर, चीन में किराए की बारात, दूल्हा गिरफ्तार। किराए की बारात? ओ वे कोई ताडे वरगे हल्के लोग होणगे, हल्के गरीब लोग होणगे, किराए दी बारात लेके आ। आपको नहीं इनविटेशन आया? नहीं जी चाइना चा जी, उथे सानू आउंदे ही नहीं। फी फी पा पा फू फा फी फी पा पा फू। और कोई न्यूज़? अगली खबर। जी जी। पेटू लड़की चंद मिनट में 4 किलो चावल खा गई। कितनी देर च? चंद मिनट? 4 मिनट। तो मेरे भाई दा रिकॉर्ड दा ना तोड़ सके। अच्छा इनका क्या है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੋਦਾਮ ਚ ਬੜਿਆ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨੀ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਗਏ? ਕੱਚੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਈ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, 3 ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ 2 ਟੀਨ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁਲਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਿਆ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਚੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਲੈ ਵੇਖ ਲੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ ਲਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਚੱਕ ਢੋਲਕੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ? ਹੋਇਆ ਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚਬੜਾ, ਕਰਤੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੇ ਬਯਕ ਵਕਤ 250 ਹਾਥੀਓਂ ਕੀ ਪਰੇਡ। ਕਿਤਨੇ ਸੌ? 250 ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗਰਮਾ ਗਰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੀ ਟਿੰਡੇ ਕੀ ਜੁਗਤੇ ਸੁਣ ਲੋ। ਟਿੰਡੇ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ। CIA ਮੈਂ ਬਿੱਲੀਓ ਨੇ ढोल की बजा कर खुराक मांगना शुरू कर दी। बैठो ए मानो जी, मैं क्या मानो बैठो, बैठ ढोल की बजा के कम। ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। CIA ਨਿਊਜ਼ ਸੇ ਅਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਮਿਲੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੱਥਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਚਲੀ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੀ ਆ ਅਗਰ ਆ ਜਾ, ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ, ਤੂੰ ਬਨੈਣ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
खवातीन और हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज CIA में दो भाई आए हुए हैं जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों की मंगनियां तो कर दी थी लेकिन बड़े भाई को अल्लाह ने थोड़ी इज्जत। अच्छा यार, गुजारिश ये है कि तू आप इस गल का फैसला कर दे जी, इन्हें तो मेरा स्टेटस एक है। ऐ देख लो, हाय हाय, ऐ गल्ला दे दिल दिखाउण वाली है। नहीं चले, अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी, दिल है तू क्या कर, दिल ही दिखाउण वाली है। अच्छा, अगर अल्लाह इज्जत देता है ना फैमिली में से किसी एक को जी, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह उसके इस काबिल समझता है। मैं वैसे ना लोगों को इमदाद कर देता हूं, इमदाद कर देता हूं, मैंने वैसे ना लोगों वास्ते मैं महीने का खर्च ला देना और खर्च ला जाएगा मेरे को। मेरा पुत जवान है, पता नहीं है कि नहीं है। आपको चाहिए कि आप इनके लिए भी कुछ करें, अगर आपके स्टेटस के बराबर नहीं है आप इनको घर लेके दे दें, अपने साथ वाला पुराने कपड़े दे दो अब्बा जी, तेरे अब्बे दे आने हैं सर्कस का तंबू या लगाना। इनके कपड़ों में तो आप अंदर जाके घूम जाएंगे। और कपड़े पैसे ना नहीं, खून नहीं रिश्ते यार, फिर दो बोतल खून दिए लाल। असल दे विच ना प्यो साडे ने आना काम तो आप इधर रिश्ता नहीं कर रहे, आप रिश्ता नहीं कर रहे। देखो अच्छा चले, मुझे इस गल दस दे, बच्ची दा उहदा जोड़ है रो ना, प्यो दे थोड़ा पानी पा दे, छड़ दे थोड़ा मूह है हूँ, वो तो कमिश्नर तेन कहना ही नहीं आना, नहीं तो मैं कह दिया। लेकिन एक बात बताऊं, इन दोनों के जोड़ से ना वो ये ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये तो कर ले इतना। ए देखो, ए देखो, अल्लाह का माल, अल्लाह का माल, अल्लाह लवे, फिर अल्लाह लवे, ये तो माल है वो लवे। आप उसकी आंखें तो देखे, देखो कितनी खूबसूरत है आंखें, देखे कितनी। और चाह का मुंडा एवं हिट हो गया, असल च इन्हें होना ये उदो भांडे लैके कित गया, मर के भी मां ही खाबा चाहती, पुछदी है, मैं नहीं दसदा, मैं मजाक नहीं, हां मेरा पुछदी है ते इनू कहंदी है मैं तेरी नाल जगह रखी है, तू जदों मर्जी आ जा। तो मैं उठे कोई ऐसी गल नहीं, मैं क्या मां जेड़ी जगह दुनिया की दुनिया च रह जानी है, ये वड्डे भरा नूं दे दे, मैं नहीं लैनी। ताया ताया मेरी गल सुन, तू लेकिन मैं ये हक इहदा नहीं मारना। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह हत्थी दब के आऊंगा। कोलेस्ट्रॉल वधदा ही जांदा सीगा, टुटे चितरंगू। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰੇ ਹੱਸੇਗੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੱਸੇਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰੋਵੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਹੈਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ वे बाबला वे सादा चिड़िया चंबा, वे बाबला असा उड़ जाना, सादा चिड़िया दा चंबा, वे बाबला वे सादा।
करवाना तू ऐनक लाई तेरे ते आंसू भी नहीं निकलते ये भी आपकी बरादरी है। तो सारी बरादरी है देखो ना ए बच्चे बैठे ना क्या अच्छे लग रहे हैं आगे आगे दो दो टाइटी लख दा इंस्ट्रूमेंट है ये अच्छे लग रहे एक मिनट मरण जोगा और तेरा खाना खराब इतनी लकड़ टाल तो लेके ढोलकी बना लेता लख लाने दा देखते वो अच्छे लग रहे हैं आपको देखो इंस्ट्रूमेंट दो दो लख रुपए का इंस्ट्रूमेंट पे है गिटार जेड़ी है बच्चा बजा रहा है नहीं वो नहीं थोड़ा पता किन्ने दी वो तो बहुत महंगी चीजें हैं तेनू की पता तू दे सारी जिंदगी वैपर दी गिटार बनाई फिरदा रहया तो फौजी हम घर से भाग जाएंगे ये जालिम लोग यहां देखते रह जाएंगे पूरी बात है तू करो नसेंगी पियो दे से दिखे मैं ओ यार नसेगी नसेगी नसेगा नहीं लग रही ना तो तू धी का ब्याह क्यों नहीं करता बैठी बैठी से मुछा निकल जाएंगे फिर करना बैठी बैठी मुछा निकला मैं चिंग ची लै देंगे ब्याह नहीं करना चला फिर शायद एक भरा वा मेरा मेनू कहना तेरा सिर्फ मेरी दौलत वाल नजर आई मेनु जहेज नहीं चाहिए बस नो मेरी मेरे घर आ जाए नो पाई रख धोती है दो तीन बारी धोती है अज इस बंदे नू हम ही भर दे आ पे मैं चलो जी ए बच्चे दा रिश्ता करा है जी ठीक है इस तो बाद इना दी डिमांडा देखो की डिमांडा तू करा गल करा के चल चल मैं दे चले जी हो गया रिश्ता समझे दस दस बार डिमांड कर गल तू साडी औकात दे मुताबिक सन दे देबे तेरी औकात दे मुताबिक की कोई एक अद्धी मंजी बनदी कोई पीढ़ी बनदी फट्टी बनदी नाउणा ले आधा किलो बाजरा और तेरा की बनदा आधा किलो बाजरा दो रोटियां दे भोरे करके तन दे देना और तू की लेना रांझे करके चूरी लिया सही गल तेरा रांझे की वंजली अर्गा मूह है तू अपने आप रांझे की मझ अर्गा मझ मझ रांझे मझिया चराइया डोली ला के खेड़े असल दे विच देखो खून खून तो जुदा नहीं हुंदा नहीं हुंदा हैं नहीं हुंदा बचपन च पियो दी गल याद कर मैनू कुछ नहीं चाहिदा जहेज जो देना तू अपनी धी नू देना हाँ। मैं कुछ भी नहीं देना धी नू खाली हथ भेज ली खाली हथ भेज दे कोई धोन वाले कपड़े दे दी बस बस सन तरीक दे दे मैं असि बरात लैके आ जाइए किन्ने बंदे ले आइए किन्ने बंदे लैके आइए बंदे किन्ने बंदे भावें 100 होण हां जी हां बंदे होण बंदे हो मरासी ना हो नहीं जी पहले भी एक बार मैं एक फंक्शन से बुलाया ना मैं हाँ। 100 बंदा लिया अच्छा। बंदे दो लिया बाकी 98 चवला ही सी नहीं बंदे हो चवला क्या होती है चवले मतलब है इसरा आया ने दो चवला ले ओ मेरे बाप नु चवल के ओ तेनु नाल गया छोटे से ब्रेक के बाद क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बारी है सेगमेंट FIA यानी कि फनकार इन एक्शन की जैसा कि मैं बता रहा हूं जी कि एक नंबर अभी स्क्रीन पर चलेगा 03-20-08-7701 हमें पहली दफा व्हाट्सएप के थ्रू एक ऐसा फनकार मिला है जो पहली दफा स्क्रीन पर परफॉर्म करेंगे और इतने बड़े आर्टिस्टों के सामने और ये छोटी बात नहीं है और आज इन्होंने यहां साबित किया तो इंशाल्लाह इनके लिए बहुत सारे रास्ते होंगे तो फनकार इन एक्शन देखते हैं आज कौन है अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है बेटा आपका इमरान असद इमरान असद माशाल्लाह तो क्या सुना रहे हैं गाना सुना रहे हैं सुनाइए देश
साहब। जी आगा साहब, इमरान असद यार क्या कहें आपकी तारीफ, रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा गाते हो आप, अपनी उम्र के हिसाब से तो खैर बेशुमार अच्छा गाते हो, और भी घर में से कोई गाता नहीं? छोड़ ना बोलना, मेरा चाचू गाते हैं। बोल पे ना चाचू गाते हैं, चाचू गाते हैं, उन्हीं से सीखा है बेटे। कल्ला बंदा इस उम्र च यहोजा गाने नहीं गाँव होंगे जब तक वो कन्ना च आवाज ना पवे। हाँ देखना फिर जरा झूठ बोलता ना वो मरासी इदा हो जाता। चाचू से सीखा है? नहीं। आप गाना सीख रहे? नहीं। अभी नहीं सीख रहे, ये खुद ही गा रहे हो सीखे बगैर? क्या बात, वाह जी वाह। वैसे आवा जी अगर आप गौर करें तो इतना मैं भी नहीं गा लेता जी, झूठे मरासी का हाल हो जाता। आज सच्चा आया है तो ले लो जो लेना जो। बहरहाल अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रहिएगा। क्या बात है सलीम साहब, नहीं क्या बात है, कमेंट्स करो तो हम सेहत है। नहीं नहीं गाना वाकई वो अपनी उम्र से ज्यादा गा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये फ्यूचर आगे नजर आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला हम आपको देखेंगे इस जगह पे। कभी कभी ये बेटा कहना बड़े होके जब नाम बन जाएगा इंशाल्लाह तो CIA मैं पहली दफा आया था। हाँ। ये तो फिर जिक्र होगा ना इंशाल्लाह। और अब हम खवातीन हज़रात ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात अभी चल रही है जी, बड़े भाई रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, छोटे बजिद हैं,
मेरा ख्याल है आज दो आखिरी 6-7 मिनट दो भाप च मला दे तेरा हाजा रैंबो अज तो तू पहले भी बड़े कीते है ये भी नेकी का काम कर दे बड़ा तेरा ब्रेक कंगी वर्गा मुंह है वो तो जिन्या मर्जी जुगतां करी घर आ जा बस बस मैं बच्ची का रिश्ता इन्हां देना माजरत की बात तो नहीं मगरमच्छ के आंसू ये खुशी दे आंसू मैं खुशी दे रो मेरे पुत्र ने कभी खुशी देखी नहीं अल्लाह बखाएगा अल्लाह तैयार जे बच्चिया की खुशी है ना तो मैं नहीं आवांगा वैसे तो मैं आ सकना ना ढोलकी फड़ के असल जे दौलत नजर आएगा मेरा भरा नोट लुटाएगा दियांगा दो आओ हां कैसे शादी होगी बैठ के किसी जगह तू रह तू धोती मैरिज कर बस छोड़ दे धोती मैरिज रैमो भाई तू साडी शादी करा दे यार अल्लाह ने सोना घर बसाया भी मैं बधाई ली सी यकीन करो भाई पाटा नोट दिता है तू उदो गाना भी तो ऐसा सुनाया सी ना तुसी कौन सा गाना सुनाया था उस वक्त तो आप भी इनके साथ नहीं मैं नहीं सी नहीं नहीं ये ना करें बाद में अल्लाह ने आपको इज्जत दी है और तेरी सास ने क्या सी ओ सुनाओ सानू उस वक्त आप साथ थे कौन सा गाना गाया था केड़ा गाना सी अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए ये तो उदो भी काफी बिगड़िया सी अब्बा देख आ देख तेरा गंजा बिगड़ा जाए पुत वेख आ वेख तेरा केस ना बिगड़ जाए ठहर जा असल च भाई जान अल्लाह ने थानू इन्नी दौलत दिती है कबर च नाल ते नहीं ले जानी इको एक धी आ जो देना तू ओनू देना बस मैं थानू ये पूछ रहा भी की मंगदे हो मंगो एक कोठी असि ता तेरी खैर मंगने आ ए मेहरबानी तेरी हां की कहगा तू गाजियाबाद च एक मकान बना दे पक्की कबर नहीं हैगी कच्ची चो केड़ा उथे दौड़ गए बंदे उथे ही पए आ नहीं देखे निकलो यार यहाँ पे आप ठीक हैं अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो निकले वहां से फिर गाजियाबाद वो इलाके च बारिश आज में दो दो दिन घर नहीं जाते क्यों पानी इना खड़ा कभी किसी हमसाए घर कभी किसी हमसाए घर ऐदा थोड़ी लुख लालत है थोड़े इसीलिए ये भाई ठीक है आप अपना जेन ही नहीं बदल रहे आप वही के वही हैं वो आपको डिफेंस में घर लेके दे रहे हैं मैं और आप कह रहे हैं गल बताना मैं नहीं लेके दे रहा है? अपनी मेहनत ना लैन उधर जाके हेलो देखो जी मैं कहना भी गाजियाबाद चलो साडे बड़े साडे ताए चाचे ताए सारे उथे है जी कीन करो तो तुपसड़ी कौन है तुम्हारा तुपसड़ी वो साडी एक ताई सी वो सड़ी सी थैले हाथ पावे सप्प होवे
देखो मैं मुंडे नु पढ़ाया सौ तक गिनती गिन लगा सौ दे नब्बे ही बकाया दिंदा मुंडा पढ़िया लिखा जाओ टाउन डिफेंस दे कर लो प्लाट उनके पास है वो दे देंगे प्लाट उनके पास है गड्डी ले लवे अच्छा तेरे अर्गे मुंडे जिहड़े ना वड्डे होटल वड़दे आ सड़ते लग जांदे गाजियाबादी गलियां च खेडे हालांकि ये कोई खेडता नहीं सी हुंदा अच्छा क्यों मोटा ही एडा हुंदा सी हाँ तो तेरे तेरे नाल तो उत्थे मडोना खेडदा रहा गाजियाबाद है ना ਉੱਥੇ ਚੁਗਲ ਮੇਲੇ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਟਿਆ ਸੋਚ ਉਸ ਲਾਗੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਟਕਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੁੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਐਚ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਐਚ ਮੋਟਾ ਸੁੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਦਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੈਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਕੀ अच्छा जी गाजियाबाद में आपको बड़े बड़े फनकार हो अमानुल्ला उतो का होया गाजियाबाद है जी परवेज मेहंदी साहब नशीला फुरतीला अपना मिया शौकत तबले वाला सारे उथे दे होए सारे उथे होए हां जी इन्हें जो बाहर किन्ने निकले वो दसो आप आमने सामने बैठ ठीक है जी असि गाजियाबाद छड़े जहोटों चल जाएंगे फिर या अब्बा छड़ दे या गाजियाबाद छड़ एक अब्बा छड़ दे कोठी नहीं लभनी अब्बा होर लभ जू महंगी चीज तू अपने पले पा ले जेवर तुसी लैके देना है जिहड़ा जेवर दा डब्बा नहीं हुंदा लाल रंग दा ओह मेरे को है ओह भी तू नाल लई शादी दे ते मिठाई वाले डब्बे इकट्ठे होने ना उच्च रख के फिर चले यार देखे ये हमें खुशी है कि आप मान गए हैं और अगर जो लोग बचपन में मंगनियां करते हैं फिर उनको चाहिए कि वो उसको पाया तकमील तक भी जी ना तो ना करें या तो करें ही ना समझ आ रही है आपको कुछ और तीये तुम ही तो कुछ बोल तुम ही बसना वा जे हो ये तेरी आंखा में लगदा तू नहीं रहना मैं कहना अब्बा तेरी को डिमांड मेरा पुत्र था दस दे अब्बा जी रोए ना अब्बा जी मेरा हासा ली हो जाना अब्बा जी रो ना मेरा हासा निकल जाएगा चलो जी बहुत शुक्रिया जी ताया जी इधर जो सारे लड़के दे नंबर डिलीट कर दे ऐसे गलत तो ना लड़ाई हो जाए ताया अब सिर्फ आपकी जिंदगी का साथी जो है वो यही ये है ताया मैं तो सिर्फ इन्हें ही कहना है कि तेरे को नहीं ना रही नहीं मेरे को भी नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने शो की लाज रखी और रिश्ते को बरकरार रखा बहुत ही मजा ग्रेटनेस है बहुत 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 उठ के एक जफी पा चलो तू बीमार बहुत शुक्रिया खवातीन हज़रात शो का वक्त खत्म हो गया इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी जाते जाते एक आवाज एक नारा पाकिस्तान
एटीवी सारे रंग हमारे। इस प्रोग्राम के लिए